उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के तहसील मनुस्यारी बेसखाल, जो कि 2011 में आपदाग्रस्त लोग जो संसाधनों से बेसखाल ग्राम पंचायत में विस्थापित हुए थे, अभी सरकार द्वारा खनन के लिए जारी पट्टे, जिनको खनन व्यापारियों द्वारा घरों के नीचे से खनन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, मांग की गई कि खनन को रोक दिया जाए और हमारे घरों को सुरक्षित किया जाए। अधूरा पड़ा है, तब से ये सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआयना करके हर कोई जाता है, लेकिन इसकी पूर्ति कोई नहीं करता है। उल्टा ये लोग जो है, ये खनन माफिया लोग, ये नदी के बिल्कुल मुहाने पर घर है, बिल्कुल पहले यहाँ इतना अच्छा खेत था, बाढ़ आके सारे ये नदी से आपदा अब आती है तो इतना भयंकर रूप ले लेती है। उसके आधार पर उसके बावजूद भी लोग ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, इन चीजों को अनदेखी कर रहे हैं। ग्राम सभा माँ छो एम ये तर पैर पौगे रही भूस कल रेम तो यहाँ बाज ले जाए ये रोड किनारे में खरीद बे मिल चागली मकान पर ये कुछ खोदना एम के बहुत परेशानी से एम की कन चाहिए का जान चाहिए। 2011 से अभी तक सरकार ने हमें अनदेखी कर रखा है। हमने अपने अपने परिवार का रहने का व्यवस्था इधर ग्राम सभा बहसकाल में किया है, ग्राम सभा नाशनी में आपदा आने के बाद 2011 के बाद ग्राम सभा बहसकाल में किया है। यहाँ पर भी सरकार अभी सरकार खनन माफियों को यहाँ पर पट्टा देने के लिए कर रही है, यहाँ से हमारे बच्चों का व्यवस्था किया जाए, उसी के बाद ये खनन पट्टा मंजूरी की जाए, तब तक यहाँ पर खनन के लिए किसी को इजाज़त नहीं दिया जाए सरकार से। ग्राम सभा नाशन ग्राम सभा